हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन में हम लोग एमएसओई 1, 2 और 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमएसओई 3, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। आफ्टर दिस हम लोग आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्लस एमपीएस 3 और एमपीएस 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है एमएसओई 3 यानी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किस बेसिस पे हमने डिसाइड करे हैं। वी हैव डिसाइडेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ कि मोस्ट फ्रीक्वेंटिव क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं उनको हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में मेंशन किया है। 10 में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन भी करके जाएंगे तो चांसेस है कि हमें 5 क्वेश्चन और या 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में हम लोग अटेम्प्ट करने के लिए एबल रहेंगे। ये एक बार कवर कर लेते हैं, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे आपको एक 20 नंबर का आंसर जो है वहां पे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है कि वो 20 नंबर हम लोग मैक्सिमम 20 में से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग क्या कर पाए, अटेन कर पाए। तो यहाँ पे पहले अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टोटमिज्म का, जिसमें आपका लेवी स्ट्रेस की बात हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करनी है क्योंकि इनके नाम से टोटम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटम पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, मैंने बोला था जो प्लेलिस्ट है चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मिल जाएंगे चैनल पे अवेलेबल है, हम लोगों ने कवर करे हुए हैं, राइट। फिर देयर इज अ कंसेप्ट ऑन थीम्स ऑन ओरिजिन ऑफ रिलीजन, इस पे सीधा क्वेश्चन आता है कि रिलीजन का जो कंसेप्ट है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द रिलीजन, ये चीज। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इसका क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटिवली आस्क क्वेश्चन, ये करना है। देन टी एन मदान के नाम से ये क्वेश्चन आपको नॉन रिनंसिएशन एंड लिविंग एंड डाइंग का कंसेप्ट, नॉन रिनंसिएशन आए, लिविंग एंड डाइंग आए, टी एन मदान का नाम लिखा हो नहीं लिखा हो हमें इसे मेंशन करके ही ये दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, तो ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ सेक्युलराइजेशन, रिलीजन आए और सेक्युलर वर्ड पे बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सेक्युलर वर्ड लाइक इंडिया के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, इसकी आपको बात करनी है। अब सेक्युलराइजेशन लिखा है मैंने तो यहाँ पे हमें डिटेल में सेक्युलराइजेशन पढ़ना है, जितना भी इसके बारे में हमारे पास कंटेंट अवेलेबल हो सकता है वी विल स्टडी आउट इन डिटेल फॉर्मेट, एंड आई थिंक सेक्युलराइजेशन और सोवरेनिटी पे भी वीडियोज अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। फिर हमें बात करना है आपका प्रोसेलिटिज्म, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, शायद आप लोग इसको देख सकते हैं प्रोसेलिटिज्म पे। देन रिलीजन की बात करनी है, इसमें दो अप्रोचेस जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज पीचर बर्गर की अप्रोच एंड फ्रीड अप्रोच, ये दोनों अप्रोच हमें मेंशन करनी है रिलीजन को लेके, इनको डिटेल में पढ़ के चलना है। देन यहाँ पे एक प्रॉपर सेपरेट हमारा इस सब्जेक्ट में एक चैप्टर बनाया हुआ है, यूनिट बनाई हुई है, दैट इज कुर्ग को लेके, कुर्ग को लेके जो स्टडी करी वो पूरी स्टडी की हम लोगों को बात करनी है, तो यहाँ पे ही कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में हमें पता होना जरूरी है। तो हम बात करेंगे ओका इन द कुर्ग सोसाइटी, ये स्टडी हमें करनी है। देन वी हैव रोल ऑफ प्रोफिट्स एंड प्रीस्ट इन न्यू रिलीजन, अब प्रोफिट्स एंड प्रीस्ट का क्या रोल रहता है इसको प्रॉपर स्पेसिफिक रिलीजन को लेके हमें बताना है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में हमसे पूछा गया है। देखिए 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपको 15-16 टॉपिक पढ़ने पड़े हैं और उनमें से आपका काम बन जाए, उनमें से हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाए, तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉल है। डिसाइड किया पूरी पूरी बुक पढ़ो, उसके दो दो बुक्स हैं, इतने इतने चैप्टर्स हैं, पूरी पूरी यूनिट्स हैं, उसको अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो ये एक पेज पे जो मैंने टॉपिक सम अप करे हैं इतना तो एटलीस्ट हम एग्जाम में पढ़ के जा सकते हैं 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा फिर। देन वी हैव हरे कृष्णा मूवमेंट, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। देन कंसेप्ट हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया गया, ये सब हम देखेंगे। देन कंसेप्ट आएगा रिलीजियस प्लूरलिज्म और रिलीजियस रिवाइवलिज्म का, ये हमें देखना है। फिर हमारे पास आएगा प्रोटेस्टेंटिक एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें कार्ल मार्क्स को लेके भी हम कुछ कुछ बात कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म, तो हम यहाँ पे प्रोटेस्टेंट एंड कैपिटलिज्म के राइज की बात करेंगे। देन 13 जो यहाँ पे यूनिट है दिस इज अ डिटेल यूनिट जिसमें बहुत कुछ सारे रिलीजन आ गए हैं,
तो यहाँ पे हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि सिर्फ यही रिलीजन से चीजें पूछी जाएंगी। तो पहले आप बाकी सारे टॉपिक कर लीजिएगा, देन एट लास्ट इनमें से आपको सारे रिलीजन एक बार देखने ही पड़ेंगे। डोंट वरी, आपके ऊपर मैं बर्डन नहीं डाल रही हूँ, आई विल कवर अप। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप कराऊंगी। यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ के चलेंगे। किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं आ रहा है फिर भी इसके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है तो कैसे लिख सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास है रिलीजन कैसे एक सिस्टम ऑफ सिंबल का काम करता है, इसको लेके भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ सिंबल के नेम से रिलीजन को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देन रिलीजन को लेके मार्क्स एंड वेबर, इनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने की बात की गई है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यू ऑफ मार्क्स एंड वेबर ऑन रिलीजन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफी बार। देन यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एनिमिज्म। देन कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग नियर रिलीजन को लेके क्वेश्चन है। अभी सुनने में थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक अजीब लग रहे होंगे, बट व्हेन वी स्टडी इन इट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जब हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन द सिंपलेस्ट वे। तब तक जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप उनको देख सकते हैं, अगर अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। ठीक है, काफी हद तक वो आपकी हेल्प करेगी चीजों को समझने में। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी आया है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आया है, क्वेश्चन प्रॉपर आया हुआ है इसका, तो सुपर स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन दैट वी हैव टू कवर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 18 टॉपिक्स जो है, क्वेश्चंस आई विल नॉट से, 18 टॉपिक्स जो है ये हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ की हम मैं और वीडियो बनाऊंगी, और कुछ नहीं बन पा रही है तो तब तक आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तरफ से इनको इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ MSOE 3। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए हम लोग MSOE 1, 2, 3 and 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू गाइज आर फेसिंग एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी हियर, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, जो एजुकेशन हॉटस्पॉट का इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहां पे आप लोगों को फ्रीक्वेंटिव वे पे रिप्लाई करके चलूँ, जब तक आप लोगों का एग्जाम टाइम है तब तक मैं बहुत फ्रीक्वेंटिवली आप लोगों को उसके रिप्लाई करूंगी विदाउट एनी डिले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।